सांभर चले जाने के बाद हम लोग सोच रहे थे कि बारिश में भीगेंगे, मस्ती करेंगे, मजा आ जाएगा, लेकिन इस सीजन में सबसे ज्यादा स्किन में प्रॉब्लम होते हैं। पर आप चिंता मत कीजिए, मेरे साथ बने रहिए। सब्सक्राइब कीजिए सुदेशना जॉल चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप मेरी कोई भी वीडियोस मिस न करते, और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड हाय इफ यू आर न्यू। मैं हूँ सुदेशना और मेरी यूट्यूब चैनल सुदेशना जॉल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आप कैसे इस मॉनसून में अपनी स्किन को हर वक्त टकाटक रख सकते हैं। ये वीडियो टू पार्ट्स में होगी। फर्स्ट मैं आपके साथ एक फेस मास्क शेयर करने वाली हूँ जो कि हर स्किन के लिए बेस्ट है, और सेकेंड मैं कुछ क्रूशियल टिप्स दूंगी। और अगर आप चाहते हो कि आपके स्किन टाइप के हिसाब से मैं कोई वीडियो बनाऊँ तो आप जरूर कहना। और जैसे कि आप जानती हो कि हमारे फैमिली 100 के मेंबर से थोड़ी सी दूरी पर है, तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ छोटे से बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। देखिए आज मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ वो है फेस ब्राइटनिंग फेस मास्क। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं अपने ब्लॉग पे अलग अलग स्किन टाइप के लिए अलग अलग फेस मास्क आप साथ शेयर किए हैं। अगर आप जानना चाहती हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप प्लीज उसे देख लेना। इस फेस मास्क बनाने के लिए हमें चाहिए आमंड, हनी एंड मिल्क। आप इस आमंड को अच्छी तरह से क्रश कर लीजिए। अब उसमें ऐड कीजिए रॉ हनी एंड मिल्क और बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आपको इस सीजन में हर रोज ये मास्क ट्राई करना चाहिए। आप इस मास्क को 3 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। अब इस मिक्सर को अपने फेस पर लगाइए अच्छे से। आमंड में विटामिन ई रहता है जो एक एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है, जिससे सनरेज से डैमेज हो गया सेल रिपेयर होता है और स्किन को ब्राइटन और लाइटन बनाता है। आमंड में बहुत ज्यादा प्रोटीन एंड विटामिन होते हैं जो स्किन को हाइड्रेटेड रखने में और सॉफ्ट बनाने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। ये हमारे स्किन को डीप क्लींस करता है और एक्ने को प्रिवेंट करके हमारे स्किन को फ्लॉलेस बनाते हैं। ये डार्क सर्कल और टैनिंग को भी दूर करता है। हनी में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होता है जो एक्ने को ट्रीट करता है। यह स्किन को मॉइस्चराइज करके स्किन में ग्लो लाता है और स्किन को लाइटन और ब्राइटन बनाता है। मिल्क एक एक्सीलेंट क्लींजर है। यह पोर्स को टाइट करता है और स्किन से इरिटेशन को दूर करता है। यह डेड स्किन सेल्स को दूर करता है और फाइन लाइन्स रिंकल्स को दूर करके एजिंग को रोकता है। 15 मिनट रखने के बाद ठंडे पानी से धो लीजिए। देखिए मेरी स्किन से पूरी तरह से वो चिपकू टाइप ऑयल चली गई है और मेरी स्किन में बहुत ज्यादा ब्राइटनिंग इफेक्ट एंड ग्लो दिख रही है। तो ये तो थी मेरी होममेड फेस ब्राइटनिंग फेस मास्क। अब मैं आपको कुछ क्रूशियल टिप्स दूंगी ताकि इस मॉनसून में भी आपकी स्किन हर वक्त खूबसूरत रहे। नंबर 1, देखिए इस सीजन में हर वक्त स्किन चिपकू टाइप होना आम बात है। कुछ भी कर लो ये होंगे ही, बट आप अपनी तरफ से तैयार रहिए। दिन में 3 बार फेस को क्लीन करें एंटीबैक्टीरियल फेस वॉश से। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए कोई होममेड हर्बल एंटीबैक्टीरियल फेस वॉश लाऊं तो प्लीज मुझे कमेंट में बताना। नंबर 2, लाइट वेट सनस्क्रीन यूज कीजिए जो आपके स्किन को ऑयली ना बनाए। इस सीजन के हिसाब से लोटस सनस्क्रीन सबसे बेस्ट है। नंबर 3, एल्कोहल बेस्ड टोनर से दूर रहिए। नंबर 4, स्किन को मॉइस्चराइज करना बिल्कुल मत भूलना। स्किन ऑयली होना और हाइड्रेटेड रखना दोनों अलग बात है, इसलिए आप जरूर स्किन को हाइड्रेटेड रखिए और मॉइस्चराइजर जरूर यूज करें। नंबर 5, मॉनसून में आर्टिफिशियल ज्वेलरी से दूर रहिए, इससे आपके स्किन में रैश हो सकते हैं। नंबर 6, पूरी तरह से कवर किया हुआ फुटवेयर मत पहनिए, बल्कि उसके बदले खुल्लम खुल्ला वाटरप्रूफ फुटवेयर यूज कीजिए। इससे आपके पैर में हवा खिलेगी और आपके पैर जल्दी से जल्दी सूख जाएगी और फंगस अटैक नहीं होगी। नंबर 7, टी ट्री ऑयल को अपने स्किन केयर रूटीन में इस सीजन में जरूर ऐड करें। इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होते हैं जो आपके स्किन में जो प्रॉब्लम है या फिर एक्ने प्रॉब्लम है वो सारे दूर करेगा। नंबर 8, इस मॉनसून में प्लीज आप बाहर के खाना मत खाइए, इससे आपके फूड पॉइजनिंग होने का चांसेस है। नंबर 9, क्रैक लिप्स से बचने के लिए दिन में 1 बार लिप्स को जरूर स्क्रब करें। मेरी एक वीडियो है लिप ट्रीटमेंट के बारे में, प्लीज आप वो देखिए, उसमें बहुत अच्छी तरीके से मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम के सलूशन दिए हैं। और सबसे लास्ट नंबर 10, आप अपने डाइट में विटामिन ई एंड सी जरूर ऐड करें, इससे आपके इम्यूनिटी
सिस्टम बूस्ट होंगे, जिससे आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी फील करोगे। तो ये थी मेरी टोटल मॉनसून स्किन केयर टिप्स। आई होप आपको मेरी इस वीडियो से बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। इफ सो देन प्लीज आप इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर कर दो, ताकि और भी लोगों को पता चले और भी लोगों को हेल्प मिले। और मेरे इंस्टाग्राम पर हर वक्त गिव अवे चलता रहता है, तो मेरे इंस्टाग्राम पर आप जरूर फॉलो करें। माई ऑल सोशल मीडिया हैंडल्स नेम्स आर सुदेशनाज वर्ल्ड। और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए प्लीज अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ छोटे से बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। तो मैं मिलती हूँ मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।